ये बदमाश बताया जा रहा है। एसओजी एडीजी ने अभी तक स्थिति को साफ नहीं किया है, तो इस तरह की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी एक्शन चल रहा है, ये कहना था अनिल पालीवार का, जो कि एसओजी के एडीजी हैं। तो पेरोल लॉकअप ब्रेक कांड में यह अपडेट आपको दे दे, जहां पर एक बदमाश के सरेंडर करने की सूचना फिलहाल मिल रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले से जुड़े हुए जिससे फरारी में महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है, वो सरेंडर कर रहा है, ये बात फिलहाल सामने आई है। वहीं पर एसओजी एडीजी ने अभी तक स्थिति को साफ नहीं किया है, उनका कहना है कि अभी तक एक्शन चल रहा है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। आशुतोष, जहां पर बहरोड लॉकअप ब्रेक कांड में एसओजी पुलिस और एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है, एक और तो कहा यह जा रहा है कि दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं पर एक आरोपी के सरेंडर करने की सूचना मिल रही है, कितनी पुख्ता ये सूचना अब तक हो पाई? देखिए पूजा, जैसे ये घटनाक्रम सामने आया था उसके बाद में डीजीपी के निर्देश पे एडीजी एसओजी और एटीएस अनिल पालीवाल के मॉनिटरिंग में एक टीम गठित की गई थी और ये टीम लगातार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ कर रही थी। अब तक कुल 7 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 ऐसे बदमाश है जिनको चिन्हित करके उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया है। एक बहुत जो खराब छवि है वो राजस्थान पुलिस की सामने निकल के आई थी। बहुत सारी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी तथ्य हैं, जानकारियाँ हैं। मेरे सहयोगी शरद लगातार इस मामले को देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने सवाल निशान खड़ा कर दिया था कि साहब ये तो महज कुछ बदमाश थे जो इस तरीके की वारदात करके गए, अगर आतंकवादियों जैसी कोई बड़ी घटना हो जाए तो हमारे राजस्थान पुलिस तो मेरे को लगता नहीं कि सक्षम है। कुछ बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो आप बताना चाहते हैं, जिनका खुलासा होना चाहिए, किस तरह के वो तथ्य हैं? देखिए, राजस्थान पुलिस की बात की जाए तो 50 से अधिक पुलिसकर्मी उस वारदात के समय वहाँ पर थाने के अंदर मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के वो पुलिसकर्मी जिनको शपथ दिलाई जाती है कि वो जनता के हित में काम करेंगे, वो वहाँ पर उनकी संदिग्ध भूमिका नजर आई। जो वहाँ पर पपला गुर्जर मौजूद था उसकी जो बातचीत फ़ोन के जरिए करवाई गई थी वो राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों ने, यानी कॉन्स्टेबल जो हेड कॉन्स्टेबल वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों ने वहाँ पर करवाई। इसके अलावा बात करें तो कोडवर्ड में पपला गुर्जर ने अपने जो साथी थे उनसे बातचीत की थी। कोडवर्ड में उनको कहा कि यहाँ 20 से 25 लोग मौजूद हैं, आप 70 से 80 की और व्यवस्था यहाँ पर कर दीजिए। पुलिसकर्मी ये समझ रहे थे कि 70 से 80 लाख रुपए में सौदा होना है, यानी कि पुलिसकर्मी उसको छोड़ने के लिए सौदेबाजी वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो एक इंडिकेट कर रहा था अपने साथियों को कि 70 से 80 यहाँ पर आकर फायरिंग कीजिए और मुझे छुड़ाकर यहाँ से ले जाइए। कोडवर्ड का उसने पपला गुर्जर ने इस्तेमाल किया और उसके बाद में देखा गया कि वहाँ पर उसके साथी पहुँचते हैं। पुलिस इंतजार कर रही थी नोटों की वहाँ पर बरसात होगी, लेकिन वहाँ पर गोलियों की बरसात हुई और उसके साथी उसको छुड़ाकर ले गए। उसके बाद में पुलिस को ये बात समझ में आई, डीजीपी को भी ये बात समझ में आई, उन्होंने तत्काल एक्शन भी लिया, बर्खास्त कर दिया दो पुलिसकर्मियों को। राजस्थान पुलिस के अलावा कह सकते हैं जो स्थानीय पुलिस थी उसके अलावा एसओजी को इस पूरे कार्य इसकी जिम्मेदारी दी कि आप यहाँ पर कार्य करिए, क्योंकि संदिग्ध भूमिका पुलिस की इसमें आ जाती है और एसओजी अगर इसमें काम करेगी तो एक बेहतर परिणाम निकल कर सामने आ सकते हैं और राजस्थान पुलिस की छवि सुधर सकती है। डीजीपी की हो बात, आईजी की हो, हर कोई ये मांग रहा है, इस बात को मान रहा है कि जो स्थानीय पुलिस थी, थाना पुलिस थी, उनकी जो आचरण था वो ठीक आचरण नहीं था, यानी कि पैसे के लेन देन को लेकर सौदेबाजी हुई है। जो एसपी थे उनको इस बारे में क्यों नहीं बताया गया, जो एसओचओ थे उनकी भूमिका भी आई, हालांकि उनको वहां से हटा दिया गया है, लेकिन एक काफ़ी ख़राब जो एक इमेज है, जो छवि है, वो सामने निकल के आई है कि क्या इस तरीके से थाना स्तर पर सौदेबाजी होती है। देखिए, रात को जो सीएम ने लगातार कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एसपी कॉन्फ्रेंस जयपुर के अंदर, उसमें अमनदीप सिंह कपूर मौजूद थे, एसपी थे भिवाड़ी के, वो सुबह वहाँ पहुँचते हैं। जो निमराणा में उसी दिन एक वहाँ पर झगड़ा हुआ था, एक कांड हुआ था, एक मारपीट कर दी गई थी बाहरी व्यक्ति कश्मीर के युवक की, उसको लेकर उन्होंने मीटिंग ली थी। उस मीटिंग के अंदर जो वहाँ के सीआई थे, बहरोड जो थाना है, वो सीआई भी मौजूद थे, लेकिन सीआई ने सुबह 5:30 बजे मीटिंग में ये नहीं बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की और उससे लगभग 31 लाख रुपये बरामद किए हैं। कितना बड़ा मामला, 31 लाख रुपए बरामद कर लेना, एक किसी भी थाना प्रभारी की पहली जिम्मेदारी होती है वो एसपी को सूचना दे, लेकिन एसपी को सूचना नहीं दी गई। वहीं से सवालिया निशान खड़े हो गए, क्या वहां पर सौदेबाजी चल रही थी, क्या वो उस आरोपी को छिपाना चाह रहे थे और सौदेबाजी करके उस आरोपी को बाहर निकालना चाह रहे थे। इससे सारी चीज स्पष्ट हो जाती है कि इस पूरे मामले में पुलिस की मिलीभगत रही है और इसी मिलीभगत के चलते बाद में अपराधियों को मौका मिला और राजस्थान में पहली बार इस तरह की वारदात सामने आई जब अपराधी वहां से। फिलहाल जिस तरह से औपचारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ कहा जाता है एडीजी की ओर से, फिलहाल तो वो कार्रवाई की बात ही कर रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
आगे बढ़ते हैं, बात कोटा की, जहां पर कोचिंग